संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक इस बार चलेगा और 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी इस बार और कई अहम विधेयक यहां पर पेश होने की संभावना है। तो मॉनसून सत्र की तारीखें जो है वो यहां पर आ गई हैं और ये जो सत्र है ये 20 जुलाई से शुरुआत इसकी होगी और 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र इस बार का संसद का चलेगा। 13 मार्च 2022 को भारत हमारे सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश जी, तारीखें आ गई हैं यहां पर मॉनसून सत्र की और 20 जुलाई से 11 अगस्त तक ये रहेगा, लेकिन इन 17 बैठकों में कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो विपक्ष यहां पर उठा सकता है, यूसीसी को लेकर भी इस बार के सत्र में कुछ हो सकता है। निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष चाहेगा कि जिनको लेकर के सरकार जवाब दे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर है दिल्ली को लेकर के जो अध्यादेश लाया गया है, और इस अध्यादेश को अब कानून में तब्दील करने के लिए विधेयक भी सरकार इसी मॉनसून सत्र में लाएगी, तो आम आदमी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां एकजुट हों और किसी भी तरह से सरकार को पीछे झुकने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि सरकार कहती है कि जहां तक इस अध्यादेश का प्रश्न है उसका अंकगणित पूरा है, उसको इस बिल को पास कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ समान नागरिक संहिता को लेकर के भी हलचल काफी तेज हुई है। सोमवार को इस संसदीय समिति की बैठक भी इस बारे में बुलाई गई है और वहां पर भी विधि आयोग के नुमाइंदों को बुलाया गया है, तो इसमें आगे क्या होता है देखने की बात होगी। हालांकि अभी काम इस पर काफी होना है क्योंकि विधि आयोग ही इस पर काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आने में भी अभी कुछ वक्त लगेगा। 13 जुलाई तक उसने सारे देशभर से सुझाव मांगे हैं, अब तक करीब 10 लाख सुझाव विधि आयोग को मिल चुके हैं। इस बीच उत्तराखंड भी अपने समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने की तैयारी कर रहा है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर की मानसून सत्र में चर्चा होगी और गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। विपक्ष जो है लगातार जिस तरह से विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है, पटना में मीटिंग हुई, बेंगलुरु में मीटिंग होगी, वो बजट सत्र मानसून सत्र के ठीक पहले होगी, तो ये सारे मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे इस मानसून सत्र में। बिल्कुल अखिलेश जी, और ये ट्वीट भी हम दिखा देते हैं आपको। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि संसद का मॉनसून सत्र जो है वो 2023 का 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। मैं सभी पार्टियों से मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और दूसरे काम में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। अखिलेश जी, अपील यहां पर की गई है विधायी काम और दूसरे रचनात्मक कामों में योगदान देने की, लेकिन पिछले जो सत्र रहे हैं उसमें हमने देखा है चर्चा जो है वो कम होती है, हंगामा ज्यादा होता हुआ नजर आया है। इस बार भी लगता है कि विपक्षी पार्टियां या सरकार जो है संसद में चर्चा हो इस पर जो है वो ध्यान देंगी। देखिए, हर सत्र से पहले ये प्रयास होता है सरकार की ओर से, कोशिशें की जाती है कि आम सहमति बने उन तमाम विवादास्पद मुद्दों पर जिन पर चर्चा होनी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पिछला सत्र था वो पूरी तरह से धुल गया था, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष था वो राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा था, वहीं पर विपक्ष की ओर से जेपीसी की मांग सदस्यूर जारी थी और इसी टकराव के चलते पिछले सत्र में कोई कामकाज ढंग से नहीं हो पाया था। इस बार कोशिश रहनी चाहिए दोनों ही दलों की, दोनों ही पक्षों की, कि कामकाज हो सके, लेकिन संभावना इसकी कभी है क्योंकि चुनाव अब सिर पर है। 3-4 प्रमुख राज्यों के चुनाव भी इस साल के अंत में होने जा रहे हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि जो अपने मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से रखें ताकि वो देश की जनता के सामने आ सके। हालांकि आम सहमति बनाने के लिए बैठकें होती हैं और इस मॉनसून सत्र से पहले भी चाहे वो उपराष्ट्रपति हो या फिर लोकसभा के अध्यक्ष हो, उनकी ओर से अभी बैठक की जाएगी, सर्वदलीय बैठक की जाएगी ताकि आम सहमति बन सके। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो आम सहमति बनाने की इस बार भी कोशिश होगी, हर बार ये कोशिश होती है कि चर्चा जो है वो संसद में हो और यहाँ पर जो मॉनसून सत्र है वो 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा और इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी।